तेज खबर 24 में इस वक्त प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, जहां जबलपुर के मेडिकल अस्पताल से भागा कोरोना संक्रमित कैदी जावेद को पुलिस ने नरसिंहपुर के बदनपुर चेक पोस्ट में आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल से भागने के बाद जावेद ट्रक से राजमार्ग तक पहुंचा और फिर वहां से मोटरसाइकिल चोरी करके इंदौर की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस ने चेकिंग पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमित यह कैदी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से भागा था, जो कि नरसिंहपुर जिले की सीमा पर बनी चेक पोस्ट मदनपुर पर आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त प्रदेश की यह सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक दिन पूर्व जबलपुर मेडिकल अस्पताल से फरार हुआ कोरोना संक्रमित कैदी जावेद खान नरसिंहपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी जबलपुर से इंदौर भागने की फिराक में था। राजमार्ग में रुका होगा तो चार्ज किया होगा। राजमार्ग कितने बजे पहुंचा? शाम के टाइम पहुंचा। शाम को कितने बजे? शाम के टाइम पहुंचा, चार साढ़े चार, पाँच पाँच, पाँच छः, पाँच छः बजे। फिर वहाँ से कहाँ से आए दर्शक? वहाँ से पैदल, वहाँ से राजमार्ग से कितने बजे निकला पैदल? साढ़े छः सात बजे के लगभग निकला वहाँ से पैदल। रात भर चलने पर यहाँ थोड़ी पहुँचेगा, रात भर में तो। बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज से कोरोना संक्रमित एनएसए का यह आरोपी कैदी जावेद रविवार की दोपहर फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी सुरक्षा में लगे चार आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने निलंबित भी कर दिया था। तो वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। देखिए देख असल कौन को है, वही जावेद है। अरे मर ये बोलो, पता नहीं कौन दिमाग लगा रहा है, ये क्लियर बता रहा है जावेद सर खुद है उसके पास खुद बता रहा है सर, चेहरा दिखा, वही है सर, कंफर्म है सर, वही है। और जोर से जावेद कहाँ से आया है? इंदौर से। नहीं अभी कहाँ से आया है? अभी जबलपुर से। हाँ। जबलपुर में कहाँ से? हॉस्पिटल में भाग के। हाँ। अच्छा बताओ पुलिस वाले को धोखा कैसे दिया? धोखा नहीं दिया, वो तो सब नीचे थे। है? नीचे थे वो तो सब। वो नीचे थे। हाँ। तो तू क्यों भागा? डर गया था। डर गया था? क्यों डर गया था? हॉस्पिटल खाली करा दिया था। हॉस्पिटल खाली करा दिया था इसलिए डर गया। तो हॉस्पिटल खाली कराने से क्यों डर गया? वही है सर, क्लियर है सर। अरे दाढ़ी बढ़ गई है इसलिए। बोलो तो छोड़ दो, क्या दिमाग लगा रहा हो कि ये नहीं है वो नहीं है? जब क्लियर बता रहा है कि वही है, ये कौन दिमाग लगा रहा नहीं है करके? पिताजी का नाम क्या है तेरे? पिताजी का नाम? पत्नी का नाम? पत्नी का नाम हीना। बच्चे कितने हैं? फरार आरोपी की तलाश के लिए प्रदेश भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। वहीं घटना के बाद जबलपुर पुलिस के अधिकारी प्रदेश सरकार के निशाने पर आ गए थे, लेकिन चंद घंटों में ही जावेद के पकड़े जाने के बाद प्रदेश सरकार सहित पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है। ये वजह तो नहीं उठाया। ये बता तेरे साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किए थे इंदौर में? छह लोगों को। तेरे को अकेले जबलपुर भेजे, बाकी लोग को? नहीं, दो जनों को जबलपुर पहुंचाया और दो जनों को सतना पहुंचाया। दो लोगों को जबलपुर भेजा, दो लोगों को सतना भेजा। एक और कहाँ जबलपुर वाला जेल पे स्वस्थ है वो, और दो सतना। अरे वो बोल रहा है कि खुला था, पीछे से खुला था, किसी की नहीं लिया।
बोल रहा था कि पीछे खुला था, पूरा हॉस्पिटल खाली करा दिए थे और नीचे थे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ पर नहीं थे? पुलिस वाले नीचे थे। ये फिर बता, पुलिस वाले कहाँ थे? कहाँ थे? नीचे। तू ऊपर के कमरे में था? ये कोरोना वायरस के वार्ड में था और इसको पूरा वार्ड खाली करा दिया, अकेले रख दिए थे। डर गया, सोचा कि कहीं इसके साथ उल्टा सीधा ना हो जाए। हाँ, इस कारण घबरा गया। वही है। मैं दे रहा हूँ सर एसडीएम साहब को। हाँ दे दो। हम आपको बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज से फरार आरोपी जावेद खान इंदौर को केंद्रीय जेल में निरुद्ध रखने हेतु जबलपुर भेजा गया था, जहां जावेद को मेडिकल परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज जबलपुर के आइसोलेशन वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराते हुए रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक सूरज शर्मा, राहुल देवड़ा, मुकेश कुमार, अखिलेश की सुरक्षार्थी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन उपचार के दौरान ही रविवार की दोपहर मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहा यह एनएसए का आरोपी बंदी का जावेद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। फिलहाल फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसकी गिरफ्तारी के बाद जबलपुर सहित प्रदेश पुलिस ने राहत की सांस ली है।